मैं हूँ साहिबा और आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद साहिबा। हम आए हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद आए और 1969 ना आए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रैम्बो साहब ने बहुत तारीफ़ की थी और हम आए हैं हमारे बहुत प्यारे एक्टर सैयद जिब्रान उनके रेस्टोरेंट पे। तो चलिए चलते हैं अंदर। बिजनेस का शौक था और खाने का भी शौक था, लेकिन खाने का बिजनेस करने का शौक नहीं था। अच्छा। ये मेरे जो पार्टनर हैं, मेरे बड़े भाई जैसे मेरे दोस्त बिलाल भाई जो इस काम को देखते हैं मेरी एब्सेंस में, तो मैं उनसे जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मैं उनसे मिलने जाता था। उनका अपना एक वेस्ट मैनेजमेंट का काम था, तो मैं उनको देखता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं तब मेडिसिन के थर्ड ईयर में था कि यार वो अपने हिसाब से ऑफिस में आते हैं, उनका अपना सेटअप है, असिस्टेंट को बोला ये काम करो, हम मिलने आए चलो और चलते हैं, किसी से ना पूछा ना रोक टोक, अपने अपने बादशाह थे वो ना। मैंने कहा आई लाइक दिस लाइफ, मुझे ये 9 to 5 जॉब और ये समझ नहीं आता, तो मेरा हमेशा से बैर वजह अपना बिजनेस करना है। तो वो और बात है कि पहले पेट्रोल पम्प भी खोलने का इरादा था, मिनरल वाटर का प्लांट लगाने का भी इरादा था, इतनी वर्किंग्स की, बट समहाउ एंड में हमारी अल्लाह ने बस ला के इस काम में डाल दिया। और ये भी एक कहानी है कि मुफ्त आइसक्रीम खाने के चक्कर में वो एक आइसक्रीम कैफे के ओनर से गपशप लगाई कि हमारा बिल माफ़ कर देगा ऐसे ही, और वो मुफ्त आइसक्रीम के चक्कर में हमें वो फ्रेंचाइज मिल गई और फिर हम जलाटो फेयर पहला आइसक्रीम कैफे इस्लामाबाद में लाए थे जो कराची में था, वहाँ से ये काम शुरू हुआ। पहले मुझे ये बताइए कि मुफ्त आइसक्रीम खाने से स्टार्ट किया, माशाल्लाह इतना सक्सेस, जगह नहीं है ये लोग आज बिल नहीं देंगे, मुझे पता चल गया है मेरी जेब से जा रहा है। मेरा स्टार है लिप्टो सुपर स्टार। ये आप कह रहे हैं यार, प्लीज कैमरा मेरे हाथ में है, मैं भी पीछे बैठा हूँ, मुझे आप बिल्कुल नहीं लिफ्ट करा रहे। लिफ्ट नहीं करा रहे, मैं ही लाया हूँ कि यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है तो चलते हैं, और आपसे वादा भी था वो मैंने पूरा किया। जिंदाबाद, सो हैप्पी। और शुरू में मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हम फ्री करेंगे, ये भी बड़ा मज़ा आया। आप मुझे ले आए वहाँ मुझे, अब ठीक है भाई, ये मुझे अच्छा लगा। सच बात बताऊं तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही नेक सिर्फ फरिश्ता नुमा इंसान बिलाल भाई मेरे बिजनेस पार्टनर वो आ गए, जिसकी वजह से मुझे इतना मार्जिन मिल जाता है। जब ये रेस्टोरेंट खोलना था तो मैं काम छोड़ के यहाँ आ गया था, साल यहाँ रहा इसको बनाने में, इसकी ओपनिंग में और इसको रनिंग में लाने में, मेरा वो गैप आया था मीडियो में। फिर जब चीज़ें ऑटो पे आ जाती हैं तो फिर बिलाल भाई बोलते हैं कि आप चीज़ें ठीक है तो इफ़ यू वांट टू गो यू कैन। उसमें सारा दिन यहाँ बैठा रहता था, वो देखते थे काम चल रहा है कोई यूटिलिटी नहीं, तो ईमान से बात नहीं है कि उनकी वजह से मुझे ये छूट मिल जाती है कि मैं एक्टिंग वैक्टिंग कर सकता हूँ, वरना तो ये काम ऐसा है कि इस पर आपको खुद बैठना। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे जो टेबल मैट्स हैं ये ओरिजिनल न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं 1960s की। ये वाले तो हमने ऊपर जो टाइटल्स दिए खुद दिए, बट ये जो कटिंग्स हैं ये ओरिजिनल न्यूज़पेपर्स की हैं, वो इवेंट्स जो उन 10 सालों में हुए थे। इसमें पॉलिटिकली आपको पता चलेगा, जैसे लिखा है पाकिस्तान अयूब स्टेप डाउन, प्रेसिडेंट अयूब ने जब किया था, नीलो ट्राइज टू कमिट सुसाइड, ये भी एक कहानी है। तो अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी 60s में।
अच्छा, ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया? ये भी आइडिया सच बताऊँ तो बिलाल भाई का। अच्छा। कि हम 60s की थीम का रेस्टोरेंट बनाएं, क्योंकि हमें इतना आइडिया था कि जब हम ये रेस्टोरेंट बना रहे थे तब तक हमें ये पता था कि 60s के 10 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री के 10 सबसे ग्लोरियस ईयर्स थे, तरक्की वाइज, मीडिया वाइज। आप ये देखें, आप हैरान होंगे कि ये खबर पड़े कि 1968 मोर देन 100 फीचर फिल्म्स वर रिलीज्ड, 64 ऑफ देम वर उर्दू फिल्म्स, विच इज द रिकॉर्ड नंबर ऑफ उर्दू फिल्म्स इन अ सिंगल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिनेमा। आप सोचें क्या ये ग्लोरियस ईयर्स नहीं थे हर लिहाज से? और ये सिर्फ एक मीडिया की बात बता रहा हूँ। PIA का जो वार्डरोब है, तो आइकॉनिक ग्रीन पियर कार्डन ने डिजाइन किया था उस टाइम पे, इट वॉज कंसिडर्ड एज द टॉप 3 एयरलाइंस, इसकी भी आप वॉल पे देखेंगे आपको मिलेगी इन द वर्ल्ड। एवरीथिंग वॉज सो, हमारा प्रेसिडेंट US जाता था, जो गार्ड ऑफ ऑनर मिलता था उसको, पूरी अमेरिकन आवाम सड़कों पे खड़े होकर फूल बरसाती थी। अब एयरपोर्ट पे जाकर लेने नहीं आता। Everything was glorious in those 10 years. That's why we were inspired by those 10 years or 16. ये बिलाल भाई का कॉन्सेप्ट था, उसको फिर हमने थोड़ा अपने हिसाब से डिजाइन करके ये किया कि इसको। आपने अभी बात कर रहे थे कि आपने मेडिसिन में क्या MBBS, फिर क्या क्यों आ गए ये वो मेरे यहाँ पर, ये शोबिज में क्यों? शोबिज तो एक्चुअली मेरी अम्मी का सवाल है। डॉक्टर और एक्टर में थोड़े से स्पेलिंग्स का ही फर्क है। एक्टिंग तो बाय चांस हो गई, मैं MBBS कर रहा था और यकीन करें शुगल मेले में एक दोस्त के साथ 100 रुपये की शर्त लगी थी TV में आने की, और वहाँ से PTV में प्ले किया और फिर उन्होंने दोबारा बुलाया और वो बात सीरियस हो गई। इट वॉज नेवर द प्लान। और बिजनेस जैसे मैंने आपको देखा कि ये मैं TV कर चुका था 2-3 साल और मैं कराची में था, तो फिर एक मुफ्त आइसक्रीम के चक्कर में बिजनेस। तो आपने देखा मेरी लाइफ में अक्सर चीज़ें बाई चांस हुई है, मतलब मैंने ज्यादा प्लान नहीं किया है। तो शादी, देखिए शादी भी ऐसे ही हो गई, कन्वेयर बेल्ट पे बीवी नजर आ गई, लड़की प्यारी थी अच्छी लगी, पीछे पड़ गया शादी हो, और गया था लंदन शूटिंग करने, कोई वही देखा वही मिला। मतलब वो बात सही है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन हम सबसे ऊपर एक ऊपर बैठ के जो प्लान बना रहा है वो सबसे अच्छा प्लान होता है। हमारी प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है, उसका प्लान चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। वैसे आप लकी हो कि आप जो भी प्लान आपका ये लामिया करता बहुत ज्यादा आपके। आई थिंक ये अगेन मुझे बिलाल भाई ने बड़ी अच्छी बात सिखाई थी कि लाइफ में कोई भी काम करो कभी नाकाम नहीं होगी, इवन अगर तुम्हारे पास उसकी स्किल भी नहीं है। फिर पूछे क्या कहते, बस अपनी नीयत साफ, यू विल नेवर फेल। यार आपके जिब्रान, आपके फेस से ना एक पॉजिटिविटी लगती है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत कम लोगों को। वो मैं अभी तक कोरोना पॉजिटिव हूँ। अगर ये अगर बड़ा खतरनाक हो गया, अगर एक फिल्म में माहिरा खान देखिए, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछती 5-6 साल पहले तो मैं डेफिनेटली करीना कपूर बोलता। आपको मेरा जवाब मिल गया। ये तो बहुत खाना आ गया आपको लग रहा है। Turkish kebab, ये बहुत मुझे पसंद आए थे। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, अपना रिब्स हैं और ये पहली दफ़ा मैं खाऊंगा। दिखाइए जी, इसको कहते हैं ब्राउन कढ़ाई, ब्राउन मटन। ये आ गया जी, ये आ गया ब्रेन। वैसे ये इनको बड़ा शौक है, मेरा बहुत दिमाग खाती हैं ये। जी हैं,
और मैं सबसे ज़्यादा मुझे नज़र वहाँ पड़ी है मैडम शमीमा राव और वो देखिए जी आंटी फिरदौस आंटी फिरदौस ये क्यों कहा आप पूछे तो सही वो इसलिए कि मेरी जो सिस्टर है उनकी मदर इन लॉ थी ना क्या मान लीजिए ये बात बिल्कुल मान लीजिए क्या बात है हाँ। तो नदीम साहब क्या बात है मुनव्वर जलील साहब रूही बानो और अच्छा मेरी सर मेरी रेजेंबलेंस में मेरी मदर से नहीं रानी बेगम से करवाना या व्हाई नॉट या ये पिक्चर थोड़ी हमारे पास ऐसी आई थी कि व्हाटएवर बेस्ट थी हम जब 60 से अगले 10 या सॉरी 80s में जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली बी देयर दिस मॉल विल बी इनकम्प्लीट विदाउट यू आई एम टेलिंग यू थैंक यू चॉकलेटी हीरो भी है जिंदा लाश रूना लैला जी अच्छा ये तो हो गया शो बिज का पेज हाँ जी और ये अगर आप आए तो दिस इज द पॉलिटिकल एंड सोशल एंड स्पोर्ट्स और इससे रिलेटेड जो होती थी अब जैसे मैं आपको बता रहा था ये देखा यूस आपको ये इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है अमेरिका में आवाम देखे आप ये है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट सर दीज थिंग्स ये पियर गार्डन का फ्रेंच फैशन डिजाइनर जो एक लेजेंडरी आउटफिट था पी आई ए का और हमारी गेम्स देखें अच्छा सबसे मजे की बात इधर आइए रहे जैकलिन कैनेडी ऑन हर विजिट टू पाकिस्तान इन 1962 ऊंट पे बैठी है जैकलिन कैनेडी ये देखें बेटी और बीवी दोनों है नाम एक का लिखा हुआ है ये देखें क्वीन एलिजाबेथ विद प्रेसिडेंट अयूब खान ऑन विक्टोरिया रोड क्वीन एलिजाबेथ कराची विक्टोरिया रोड पे अभी आप क्वीन एलिजाबेथ को अगर वो हयात होती विक्टोरिया रोड लाते तो वो आ जाते गन लेके लूट के ले जाते अब और बात है लेकिन क्या बात थी जी पाकिस्तान की अल्लाह करे ऐसा ही टाइम फिर आए हमारे मुल्क पे जहाँ से आपके टर्किश कबाब बन के आए थे वो ये है बाकी ये मेन बाजी को ले गया है की तैयारी हो रही है कुछ स्टेज लग रहा है तो ये सारी जगह जो है ये देख रहे हैं अपने पास ऑलरेडी ये कुछ तैयारी हो रही है यहाँ मेरी अपनी शादी हुई थी सर्दियों में मोस्टली हमारी वेडिंग्स डे टाइम में होती है वो कहते हैं हमें दोपहर में जैसे इंग्लिश वेडिंग्स का होता है अम्ब्रेलास लगा के वो करके दी जिब्रान अल्लाह मियां आपके कारोबार में जो भी आप शुरू करें थैंक यू सो मच बरकत डाले और आपको और कामयाबी मिले और हर चीज में आप मिट्टी में हाथ डालो वो सोना ये देखें हूँ थोड़ी जी मैनू दे दे तो हो गई आप मट्टी ले लो सोना ही है थैंक यू सो मच और एम्बियंस बहुत अच्छा था और सबसे बढ़कर आपने जिस प्यार से खिलाया ना वो तो प्राइसलेस आप लोग इससे बहुत ज्यादा प्यार के काबिल हैं मैं आई डोंट नो कि इफ आई वाज अ गुड होस्ट और नॉट बट आई ट्राइड कि आई मेक यू फील इट बच्चे होते ना तो वो बाहर बैठना पसंद हाँ आप अभी तो देखेंगे बाहर गिरे हुए लोग ये यहाँ के यूज़ करते हैं इनको प्रॉब्लम